नो ऑल्सो आई कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स बिकॉज वो मतलब इन द सेमिनार इट वॉज कम्युनिकेटेड कि ऑनलाइन ही है, बट वो कुछ बच्चे आ गए, अच्छी बात है, तो रिकॉर्डिंग देना है। स्टार्ट कर दूं हाँ क्या? कनेक्ट कर दो पहले, बाद में स्टार्ट कर दूं। YouTube लाइव आपने स्टार्ट कर दिया क्या? YouTube लाइव स्टार्ट कर स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है। हाँ दिया। तो वहां पे बच्चा वेट करता है ना। यस नहीं नहीं वैसे ही ऐसे ही ऐसे ही, डोंट वरी। हाँ 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 नहीं नहीं बिल्कुल घबराओ मत। आई हैव सीन यू रिसेंटली क्या? नहीं क्या? अरे एंड आप लोकल आइट हैं? यू फ्रॉम नागपुर बट यू इन पुणे सिंस? ओके तब आप आए थे, उसके बाद से आप पुणे में ही हैं। तो कोविड का समय आपने यहीं बिताया? कोविड के समय चले गए थे, देन अगेन यू केम बैक। सुपर वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोविड का पूरे समय पे घर पे ही थे, ऐसा बढ़िया। एंड क्या डिसीजन लिया, आर्टिकलशिप का क्या सीन है मैम? फुल फ्लजेड तैयारी कर रहे हैं एंड उसके बाद में करेंगे आर्टिकलशिप। वंडरफुल 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 मैम, इट्स रियली रियली ग्रेट टू सी यू। चलो यस यारो, गिव मी अ सेकेंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट शेयर द लिंक एंड देयर आफ्टर गोइंग टू स्टार्ट। यप ना 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 चलिए। यस पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज गणेश चतुर्थी है, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। एंड आज जैनों में पर्युषण पर्व रहता है, तो उसका भी आज लास्ट डे रहता है, तो बेटा जी आपको उसकी भी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तूफान की तरह पढ़ेंगे यारों। एंड सबसे पहले यारों, सबसे 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 पहले मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोगों को आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, ठीक है यारों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस मैम, आपको आपके सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले? मिल चुके हैं, क्या बात है। ओके यस चलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए यार मैं जैन हूं, तो जी हां आज पर्युषण है का अंतिम दिन है, ऐसा समझिए। चलिए अब बेटा जी, एंड ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में है तो गणेश चतुर्थी को तूफान तरीके से सेलिब्रेट करना बनता है, राइट? चलिए सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले कुछ जनरल बातें शुरू करते हैं, उसके बाद में वापस एमसीएस पे फोकस करेंगे। आशा करता हूं कि एवरी वन ऑफ यू इज वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप का स्ट्रक्चर। कल हमने बात कर ली थी, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रोफेशनल के अंदर मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तीन मॉड्यूल्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, सेट ऑफ का रूल कैसा रहता है बेटा जी, एंड तीनों ग्रुप देने के अंदर आपके एडवांटेजेस कैसे होते हैं, इस प्रकार से हमने बात कर ली थी, ठीक है? एकदम एकदम स्टे काम, बहुत आगे स्टेज पे सब चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए तो ये सब पहले क्लियर है, उसके बाद में आर्टिकलशिप की बात हमने सेमिनार में भी कर ली थी, तो आई होप ऑल ऑफ यू आप वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकलशिप का सिनेरियो आल्सो, कि कब चीजें स्टार्ट कर सकते, कितने समय की रहती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ईडी
इसको लेके कल ज्यादा बात नहीं की थी, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, कुछ बच्चे इसको लेके परेशान हो रहे हैं। ईडीपी इज समथिंग विच यू हैव टू डू प्रायर टू स्टार्टिंग योर आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप शुरू करने के पहले करना है। तो जिस व्यक्ति को यहां से डिसाइड किया कि सर अभी तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ तीन ग्रुप की तैयारी करने वाले हैं, तो वो व्यक्ति चाहे तो ईडीपी इसी तैयारी के बीच में कर सकते हैं, और आपको लगता है नहीं, यहां से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो रही है, आप जून 23 में एग्जामिनेशन देने का प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे हो सकते हैं जो जून 23 में प्लान नहीं कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, आ जाओ मैम, आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है, जून 23 में प्लान नहीं कर रहे हैं और दिसंबर 23 के साथ में कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यहां पर आप बच्चे ईडीपी एकदम कंफर्टेबल, कोई परेशानी नहीं है मैम, है ना, यहां पर आप कभी ईडीपी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, और आपको लगता है जून का एग्जामिनेशन देने के बाद ईडीपी करना चाहते हैं तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, बस आर्टिकलशिप जो है 21 मंथ्स की उसको स्टार्ट करने के पहले करना है। जनरली वी रिकमेंड एज अ टीचर, आई रिकमेंड फॉर दैट मैटर ऑल द टीचर्स रिकमेंड कि जैसे रिजल्ट आया था ये आपका, ये मान लीजिए यहां पर है आप ऑगस्ट 22, जैसे रिजल्ट आया दिस इज द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट द ईडीपी, जल्दी से जल्दी कर लो। बट यारों ईडीपी ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं रहती है, आपके जो सिटी के चैप्टर्स हैं वहां पर आपको करना होती है, तो अगर चैप्टर अनाउंस ही नहीं करेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर परेशान हो रहे थे कि सर चैप्टर में ईडीपी है ही नहीं, अगर ईडीपी नहीं है तो स्टे काम, आप कुछ नहीं कर सकते, नॉट वरी। एक क्वेश्चन आता है सर क्या हम भारत के किसी भी चैप्टर में जाके ईडीपी कर सकते हैं, जी हाँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप जिस सिटी में हैं उसी चैप्टर में ईडीपी करें, आप कहीं भी जाके कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट हो जाएंगे या फिर कहीं और भी नहीं मिल रहा है या फिर इट इज नॉट वर्थ इट, तो यू कैन वेट। आपको अगले 3 से 4 महीनों में जब भी समय मिलता है तब आप ईडीपी कर लीजिएगा। ईडीपी आपके एग्जाम के लास्ट 3 to 4 मंथ्स में मत करो, तब सेल्फ स्टडी पे फोकस करने का सेंस बनता है। उसके पहले अगर कभी चैप्टर हाउस में ईडीपी मिलता है तो आप कर सकते हैं, स्पेशली दो स्किट्स जो कि गूगल ड्राइव पेनड्राइव से पढ़ने वाले हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस से ईडीपी करके आ सकते हैं। जो फेस टू फेस वाले बच्चे होने वाले हैं उन बच्चों के लिए ऐसा रहेगा कि हाँ आप क्लासेस के बीच में ईडीपी ना करो, 15 दिन का ब्रेक हो जाता है, फिर आप बच्चे चाहे तो ईडीपी यहां कर सकते हैं आपका एग्जामिनेशन देने के जस्ट बाद, बिफोर आर्टिकलशिप, बिकॉज एग्जामिनेशन देने के बाद में भी आर्टिकलशिप ऐसे D1 पे तो नहीं मिलती है, अपन को अप्लाई करना पड़ता है, इट्स एन एंटायर प्रोसेस, उसके बाद में आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। तो इट इज जस्ट कि उस समय भी ईडीपी कंप्लीट कर सकते हैं प्रोवाइडेड चैप्टर हाउस में वहां पे उस टाइम पे ईडीपी हो। तो ये सब ऑप्शंस हैं, एकदम मस्ती से रहने का, दिस इज अनदर थिंग विच हैड टू बी डिस्कस। तो अभी लोड नहीं लेने का, अभी मिल रहा है तो कर लो, नहीं तो अगले 3, 4, 5 महीने में जब भी संभव होता है तब कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। चलो बस आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले करनी होती है। ईडीपी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऑफलाइन जो आपको चैप्टर हाउस पे जाके करनी होती है, एक होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन का टेंशन मतलब ऑनलाइन कभी भी हो जाती है, वो आपको 15 दिन की घर पे बैठे बैठे करनी, वो आप कभी भी कर सकते हो, उसका टेंशन नहीं है। ये ऑफलाइन कंप्लीट करना एक प्रायोरिटी होती है, जैसे ही जल्दी मिलती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए यारों, तो आई थिंक दिस वाज अनदर एरिया जो डिस्कस करना था, जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो मॉड्यूल 3 जो भी तीनों मॉड्यूल के अंदर डिस्कशन थे वो सब हो गए, आर्टिकलशिप का डिस्कशन हो गया, ईडीपी का डिस्कशन हो गया। एक और डिस्कशन यारों, A lot of people are asking कि अभी के जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसकी प्लानिंग कैसे। आज मैं एमसीएस पे आने ही वाला हूं, बट उसके पहले जनरली छोटी और चीजें भी जो आपसे डिस्कस करना है वो सब बता देता हूं, ठीक है। दृष्टि बता रहे हैं कि उनकी 5 सितंबर से ईडीपी है, दृष्टि बहुत बहुत बधाई आपको, सब बच्चों की तरफ से आपको बधाई, आपको ईडीपी का बैच मिल चुका है, और यारों दुआ करता हूं कि सबको ईडीपी का बैच जल्द से जल्द मिल जाए। चलो मैम आप परेशान क्यों, बिल्कुल परेशान नहीं हो, हैप्पी गणेश चतुर्थी, थैंक यू मैम। चलो यस, तो अपन क्या बात कर रहे थे, एक और चीज बैचेस का प्लानिंग कैसा रहता बेटा जी। जैसे कि अभी आपको एक डेट दी होगी 6th of September, यहां से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और पूरी एंड डेट है 28th February, जब आपके सारे बैचेस कंप्लीट हो जाते हैं। दिस इज द प्लान जिसके अंदर आपके 9 सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, ये 2 ट्रांसेस में किए जाते हैं। 6th September से यू विल बी स्टार्टिंग विथ 6 सब्जेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सब्जेक्ट्स ऐसे होने वाले हैं जो 6th September से स्टार्ट होंगे सर। फिर बचे हुए 3 वो आपके सेकेंड हाफ में होंगे, 1, 2, 3। सर ये बीच का डेट क्या है, 10th of December, तो दैट इज द प्लान कि अभी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, 10th of December तक 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ये 6 सब्जेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं आपके सारे, अगर मैं बताऊं सीक्वेंस हम लोग ऑफकोर्स देखेंगे डेली के शेड्यूल क्या रहने वाला है, बट आपको अगर मैं सब्जेक्ट्स बताना चाहूं तो यहां पर आपका एमसीएस एथिक्स मॉड्यूल 1 का जो सब्जेक्ट है, टैक्स मॉड्यूल 1 का जो सब्जेक्ट है, ड्राफ्टिंग
मॉड्यूल वन का जो सब्जेक्ट है, तो ये तीनों सब्जेक्ट मॉड्यूल वन के हो गए। एमसीएस मॉड्यूल थ्री का जो सब्जेक्ट है, और दो सब्जेक्ट आपके मॉड्यूल टू के चलेंगे, जैसे कि आप समझिए ड्यू डिलिजेंस सेक्रेटरियल ऑडिट वाला जो सब्जेक्ट है मॉड्यूल टू का जो सब्जेक्ट है, और लास्ट सब्जेक्ट आपका आ जाता है सीआरआई जो मॉड्यूल टू का सब्जेक्ट है। ये छह सब्जेक्ट आपके 6th सितंबर टू 10th सितंबर चलते, 10th दिसंबर चलते हैं। इसमें बस ये हो सकता है कि एमसीएस माइट स्टार्ट फ्रॉम 12th सितंबर, बाकी सारे बैचेस आपके 6 सितंबर को स्टार्ट होते हैं और खत्म सारे साथ में होते हैं अलॉन्ग विद एमसीएस ऑन 10th ऑफ दिसंबर। उसके बाद में जो आपके तीन सब्जेक्ट्स बच जाते हैं वो यहां पर स्टार्ट होते हैं, दैट इज फंडिंग एंड लिस्टिंग मॉड्यूल 3, आईबीसी मॉड्यूल 3, एंड आपका बचा हुआ आरसीडी मॉड्यूल 2। इस प्रकार से आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए जाते हैं। इसका आउटलुक एक ये रहता है, क्योंकि अभी अगर आप लोग कभी भी बैचेस भी स्टार्ट करेंगे, अभी आप ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। आपने अपने एग्जीक्यूटिव में भी देखा था, जब आप क्लासेस शुरू करते हैं तब ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं होती, बिकॉज सब्जेक्ट के अंदर घुसने में थोड़ा समय लगता है, तो इतना सेल्फ स्टडी या फिर याद करने का रिवीजन का नहीं होता है। तो शुरुआत के अंदर 10th दिसंबर तक ज्यादा समय आपका क्लासेस के अंदर जाता है, जब आप सब्सटेंशियल लेक्चर्स देख के कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में जब आपका 10th दिसंबर तक 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तब आपके समझ लीजिए कि दिन का आधा समय लेक्चर्स में जाएगा, और ये जो बचा हुआ समय होता है इसके अंदर आप थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ स्टडी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द 6 सब्जेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड। जो 6 सब्जेक्ट आपके 10th दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं उसकी थोड़ी बहुत आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर पाते हैं 11th दिसंबर से लेकर 28th फरवरी तक, इस समय तक। ये जैसे ही हो जाता है उसके बाद में आपको प्योर समय मिलता है मार्च अप्रैल एंड मे का, विच इज 3 मंथ्स का प्योर सेल्फ स्टडी। प्योर सेल्फ स्टडीज के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सब चीजें 28th फरवरी तक एक एक चीज कवर करके कंप्लीट कर दी जाती है, 3 मंथ्स का प्योर सेल्फ स्टडी, एंड देयर आफ्टर यू राइट योर June 2023। आई वी आर कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली, ठीक है बेटा जी। जैसे कि अगर बात करूं तो आज डेट है 31st ऑफ ऑगस्ट, राइट, तो ऐसा ही एक रिजल्ट आया था 25th फरवरी को, तब उनको हमने यही कम्युनिकेट किया था कि इस प्रकार से आपके बैचेस चलेंगे जो 31st ऑफ ऑगस्ट को कंप्लीट हो जाएंगे, वहां से 6 मंथ्स, और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स की प्योर सेल्फ स्टडी, एंड देन यू विल बी राइटिंग द एग्जाम ऑफ दिसंबर। और आज है 31st ऑगस्ट, और आज ही हमारा वो बैच कंप्लीट होने वाला नीचे, आज हमारे लास्ट लेक्चर है उस बैच के, तो वो बैच कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो प्रोफेशनल के अंदर एग्जैक्ट जो आपको डेट दी जाती है उसी डेट पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, प्रोफेशनल के अंदर परेशानी आती नहीं है। और वो क्यों नहीं आती, उसका रीजन भी है बेटा जी, क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो जहां पर हमको लगता है तो हम यहीं पर एक्स्ट्रा टाइम में लेक्चर्स ले पाते हैं, तो हमारे लिए काफी फीजिबल हो जाता है। तो ये एक बेसिक प्लान हो गया बेटा जी कि आपके बैचेस किस प्रकार से रन होने वाले हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अरे हां बेटा जी, सारे सवालों का जवाब दूंगा, मस्ती से बैठो, ठीक है ना। चलिए अब एक और सवाल आता है बेटा जी, मैं ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे पूरी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं वो लोग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि सर मॉड्यूल 3 के अंदर व्हाट आर द ऑप्शंस, कि सर हमें किस प्रकार से लेक्चर्स दे सकते हैं, क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो बेटा जी आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं June 23 अटेम्प्ट वालों के लिए, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने वाले हैं June 23 उनके लिए, जो December 22 के लिए ले रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो June 23 के लिए दे रहे हैं जिनका रिजल्ट अभी आया था उनके लिए दो ऑप्शन है। आप दोनों ऑप्शन में एमसीएस मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये तो आपको एडिशन 4 ही लेना होगा, एडिशन 4 इज द बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है अभी सितंबर में और जो कि चलेगा 10th दिसंबर तक, ये एडिशन 4 ही आपको लेना है कंपल्सरीली। सर हम रिकॉर्डेड बच्चे लेंगे तो कैसे होगा, आप बच्चों को एवरी वीकेंड पूरे वीक के लेक्चर्स मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं आपको एवरी वीकेंड गूगल ड्राइव के अंदर लेक्चर्स अपलोड होते हैं, जो भी हम इस हफ्ते में फेस टू फेस बैच के अंदर ले रहे हैं, और यही लेक्चर्स आप देखते हैं वीकेंड पे प्रोबेबली थ्रू आउट द नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में दूसरा ऑप्शन, टोटल लेक्चर्स भी बताऊंगा स्टे काम, इसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं कि आप चाहे तो फंडिंग और आईबीसी के लिए रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, दैट इज एडिशन 3। ये रिकॉर्डेड बैच कोई पुराना रिकॉर्डेड नहीं, ये अभी का ही जो आज बैच कंक्लूड होने वाला है उस बैच की बात कर रहा हूं। इस बैच के अंदर भी June 23 के बच्चे बैठे थे, जैसे कि मैंने कल बताया था कुछ बच्चों ने एग्जाम देने के बाद डायरेक्टली बैच ज्वाइन कर लिया था, तो ये बैच भी June 23 के हिसाब से रिकॉर्डेड है। तो आईबीसी और फंडिंग का एडिशन 3 का जो बैच है वो आप ले सकते हैं, ये प्री रिकॉर्डेड है पूरा का पूरा, इसकी रिकॉर्डिंग अभी बस कंक्लूड हो रही है, आज लास्ट लेक्चर है, कल उनका टाटा बाय बाय फेयरवेल लेक्चर है और उनके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप ये बैच ले सकते हैं।
ये लेने का फायदा ये है कि जब तक एमसीएस कंप्लीट होगा तब तक आप बच्चे अपने फंडिंग और आईबीसी को भी पढ़ के खत्म कर सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। हाँ, और जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर अभी तो हमारे दूसरे लेक्चर्स चलने ही वाले हैं, हमें दूसरे लेक्चर्स देखने हैं, तो आप बच्चे फंडिंग और आईबीसी का भी एडिशन फोर ले सकते हैं। एडिशन फोर में आपके बैचेस चलेंगे दिसंबर से लेकर फरवरी तक, तो तब आपको एवरी वीकेंड पे लेक्चर्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे लेक्चर्स हो रहे हैं। सो दीज आर द टू ऑप्शंस फॉर जून 2023, वेरी क्लियरली एमसीएस एडिशन फोर, फंडिंग एडिशन थ्री, आईबीसी एडिशन थ्री, MCS Edition 3, Funding Edition, MCS Edition 4, Funding Edition 4 and IBCB Edition 4. तो इसमें आप तीनों ही lectures के ongoing batch की recording ले रहे हैं, और यहां पर आप MCS के लिए ongoing batch ले रहे हैं, IBC और Funding के लिए pre-recorded ले रहे हैं, very clear, ठीक है बेटा जी। तो आप कहीं भी लें, हाँ books बोल दीजिए, number of hours बोल दीजिए, सब कुछ same होता है, दोनों type के lectures आपके लिए एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है बेटा जी। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर आपके हिसाब से क्या रिकमेंडेड है। मेरे हिसाब से सारी ऑप्शंस अच्छे हैं, बट आई जनरली रिकमेंड दिस ऑप्शन फॉर दोस किड्स जो कि सारी लेक्चर रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, उनको मैं ये ऑप्शन रिकमेंड करता हूं, क्योंकि अभी आप एकदम जोश में रहते हैं तो एमसीएस तो मेरे साथ हो जाता है, एक लिंक बनी रहती है, और साथ ही में फंडिंग और आईबीसी भी आपका रिकॉर्डेड हो जाता है, और रिकॉर्डेड फेस टू फेस बैच की रिकॉर्डिंग होती है तो परेशानी होती नहीं है। मैं ये वाला रिकमेंड करता हूं, बट आप ये भी लेते हैं तो उसमें भी कोई आपको परेशानी आने वाली नहीं है। पीस, बुक्स, नंबर ऑफ आर्स, ये सब कुछ सेम रहता है। चलिए, यस पीपल, तो ये और बात हो गई, यहां तो आप लोगों को परेशानी नहीं थी, आप लोग तो डेली आने वाले हो, फेस टू फेस आने वाले हो, पक्की बात है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज, नंबर ऑफ आर्स क्या रहता है बेटा जी। फंडिंग इट गोज फॉर 125 to 135 hours, फंडिंग का 125 to 135 hours रहता है। MCS हमारा जो प्यारा सब्जेक्ट है, दैट गोज फॉर अराउंड 100 hours, और जो IBC है जो कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ओपन बुक सब्जेक्ट है, दैट गोज फॉर मिनिमल 60 hours। तो अभी आपका चलता है फर्स्ट ट्रांच में MCS 100 hours, और बाद में ये दोनों मिला के अप्रोक्स 200 hours होते हैं, ये चलता है आपका सेकेंड ट्रांच के अंदर, ये एक अप्रोक्सीमेट आर्स का भी हो गया। सर बुक्स, फंडिंग में आपको चार बुक्स मिलती है, जिसके अंदर एक पार्ट ए की बुक, एक पार्ट बी की बुक, एक एडिशनल क्वेश्चन बुक और एक बड़ी सी चार्ट बुक। जो बच्चे सिक्योर्ड लो मुझसे पढ़े, सिक्योर्ड लो एक चार्ट बुक आती है, उसी प्रकार की एक चार्ट बुक फंडिंग के लिए। एमसीएस के अंदर आपको तीन ऐसी बुक्स होती है जिसके आप दीवाने हो जाओगे, आज एमसीएस की बात करेंगे और ज्यादा। और आईबीसी में आपको एक ही बुक मिलती है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सारथी प्लस रेगुलर बुक। तो ये हो गई बुक्स की बात। जो भी बुक्स होती है, मेजोरिटी बुक्स जो है, जिसकी फंडिंग की चारों बुक्स कलर बुक रहती है, एमसीएस की एक कलर बुक रहती है और दो ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स रहती हैं, और जो आईबीसी की वो भी एक कलर बुक रहती है। तो मेजॉरिटी बुक सारी आपकी कलर बुक्स रहती है। मुझे पता नहीं कलर बुक से ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ऐसा है कि कुछ बच्चों को बड़ा मजा आता है कलर बुक्स होती है, स्पेशली ड्राइविंग के स्टूडेंट्स, इसके लिए मेजॉरिटी बुक्स आपकी कलर बुक्स रहती है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेरी जो मुझे भिन्न भिन्न तरीके से आ रही थी। आई डोंट थिंक इसके बाद में आपको कोई और परेशानी आने वाली है। इट गोज वेरी क्लियर कि अगर आप बच्चे कभी भी ऑनगोइंग बैच लेते हैं, मतलब किसी भी का आप एडिशन फोर ले रहे हैं, MCS का एडिशन 4, फंडिंग का एडिशन 4, या फिर यहां पे MCS का एडिशन 4, तो यहां पे पेन ड्राइव का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अभी बैच स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या अभी आपको खाली पेन ड्राइव भेजेंगे, तो सेंस नहीं है। पेन ड्राइव का ऑप्शन वहां पे होता है बेटा जी जहां पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो आई वुड जनरली सजेस्ट गूगल ड्राइव ही लो, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। इंटरनेट आज की तारीख में बहुत रीजनेबली आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करता हूं आप जो भी ऑप्शन लेते हैं गूगल ड्राइव लीजिए। सॉफ्ट कॉपी बुक्स का ऑप्शन नहीं होता है, ये एक और क्वेरी थी बच्चों की कि सर आप सॉफ्ट कॉपी बुक्स का ऑप्शन क्यों नहीं देते। आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस, बिकॉज आप बच्चों को इवेंचुअली सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई तो होनी नहीं वाली ना, प्रिंटआउट तो चाहिएगा, और फिर उनका प्रिंटआउट लेना, उससे पढ़ना, उससे काफी बेहतर रहता है कि कंपलसरी हार्ड कॉपी बुक्स है, उसका एक फील भी रहता है, एक एनर्जी भी आएगी, तो विश्वास मानो यू विल फील दैट डिफरेंस। तो हार्ड बुक ही होनी चाहिए, तो इससे सॉफ्ट कॉपी में ज्यादा फेवर में नहीं रहता, इससे मैं उसको ज्यादा पुश नहीं करता हूं। चलिए यार, ठीक है, आई थिंक बहुत सब चीज बता दी। एक और बात, हाँ बेटा जी, जो भी सब्जेक्ट्स के आप एडिशन फोर लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट के, भले एमसीएस, भले आईबीसी, भले फंडिंग, इन सब की बुक्स डिस्पैचिंग अभी नहीं होगी। हाँ जी, एडिशन फोर, अगर आप एडिशन थ्री लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, फंडिंग और आईबीसी का वहां पे तो बुक्स ऑलरेडी है, तो आप जब भी उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके दो दिन के अंदर बुक्स डिस्पैच हो जाती है। लेकिन एडिशन फोर की, एमसीएस भी, फंडिंग भी, आईबीसी, ये बुक्स अभी डिस्पैच नहीं होंगे, थोड़े दिनों बाद डिस्पैच होंगी, तकरीबन आप मान के चलिए 15 सितंबर,
15 सितंबर के आसपास बुक्स डिस्पैच होना शुरू होंगी। उसका रीजन यह है कि बुक्स अभी भी बन रही हैं, मैंने कल भी बताया था। एक बहुत अहम रीजन है कि फंडिंग की एमसीएस अभी तक अपडेटेड बुक आई नहीं है, तो जैसी अपडेटेड बुक आएगी उसके बाद में काम शुरू होगा उस पर। तो 15 सितंबर के आसपास बुक्स डिस्पैच होंगी फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ एडिशन 4 एमसीएस फंडिंग या आईबीसी। और एडिशन 3 जो बच्चे लेते हैं फंडिंग और आईबीसी का, एडिशन 3 ले रहे हैं, उनकी बुक्स तुरंत डिस्पैच हो जाएगी, एमसीएस की थोड़ी देर बाद आएगी एडिशन 4 के लिए। टिंग टिंग टिडिंग, बस सही बता रहा हूं मैम, याद करके आया था, एक एक बात बतानी है मेरे को। चलिए आ रहा हूं, अब बस अब नहीं रुकूंगा मैं, अब यार पढ़ाई शुरू करेंगे तूफान तरीके से। अब बात करते हैं कुछ एमसीएस के बारे में। आई होप आपके मेजोरिटी क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं। इफ देयर इज एनी मोर क्वेश्चन फटाफट से यार बोलो, अदरवाइज मैं अब एमसीएस की बात करना शुरू करूंगा। जल्दी से बोलेंगे कोई भी सवाल अगर किसी व्यक्ति का। मैम आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है क्या? नहीं है, नहीं है, एकदम मजे में, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कोई भी सवाल तो मस्ती से पूछ सकते हैं, और यारों यहां पे भी कोई सवाल है तो फटाफट से पूछ लो, एंड देन वी गोना स्टार्ट द सेशन। चलिए, यस 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 यस, जो बच्चे सारी सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड में पढ़ते हैं उनको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए मैं बता दूंगा, बट मैं एक रफ आइडिया देता हूं। स्टार्ट विद एनी 4 सब्जेक्ट, कोई भी 4 सब्जेक्ट से शुरू करो। आप लोग 6 से शुरू मत करिएगा, फेस टू फेस में चलता है क्योंकि इनको क्या अलग अलग फील मिलती रहती है। आप लोग 4 सब्जेक्ट से शुरू करो और जितना जल्दी 2 महीने का एक टाइमलाइन लगाओ जिसमें 4 सब्जेक्ट्स को खत्म करने की कोशिश करो। तो दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखते हैं घर से। ठीक है, खुश, आई विल डू दैट वेरी सून। आईसीएसआई का मटेरियल कब तक डिस्पैच होता है? I don't exactly know, but I think वो आपको 1-1.5 महीना तो लगने ही वाला है। अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आईसीएसआई से जो मॉड्यूल्स आते हैं उसमें 1-1.5 महीना लगने वाला है। मैं अभी जब बात कर रहा था मैं नोट्स की बात कर रहा था। यस डिंपल खत्री जी, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। शुभम, दैट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू। सृष्टि कह रहे हैं अगर सिर्फ 2 ग्रुप ही दे रहे हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर 2 ग्रुप दे रहे हैं कोई भी व्यक्ति तो भी आप 4 सब्जेक्ट से ही शुरू करो, प्लानिंग वैसी रखो, आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा समय मिलेगा, बस इतना सा रेफरेंस। चलिए यार, तो आशा करता हूं कि मेजोरिटी सवालों के जवाब हो चुके हैं, और अब यार मैं एमसीएस के बारे में बात करना चाहता हूं। यस पीपल, चलिए यार, सो लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट नाउ। सो आई सेड बिफोर स्टार्टिंग द मैराथन लेट्स वार्म अप। सो द आइडिया इज जस्ट दैट एनी सब्जेक्ट यू स्टार्टेड प्रोफेशनल्स लेवल ना बेटा जी, इट्स अ ह्यूज 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 जर्नी, और एकदम ऐसा धक धक होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है ऑफ कोर्स, बिकॉज यार कैसा है एग्जीक्यूटिव जो है ना वो, आपने गन्ने का रस पिया ना, हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी पिया होगा, उसको आप लोग अलग अलग चीजें कहते होंगे अलग अलग सिटी के अंदर, बट हाँ बेसिकली शुगर केन जूस सबने पिया होगा। तो जैसे हम उसके अंदर शुगर केन को जाते हुए देखते हैं और वो एकदम संघर्ष होता है और फिर उससे जूस निकलता है, आप ऐसे ही समझ लो एग्जीक्यूटिव से पास होना उस व्यक्ति की तरह है, बिकॉज इट रियली रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस, अमेंडमेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू क्लियर एग्जीक्यूटिव। तो एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है, आप जिस भी व्यक्ति को मानते हैं, आप जिस भी भगवान में मानते हैं, एकदम उनका नाम लेके फ्रेश तरीके से प्रोफेशनल की तैयारी शुरू करो, एंड यू गोना डू ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट। टुडे द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज एमसीएस। बिफोर स्टार्टिंग द मैराथन लेट्स वार्म अप। एक जनरल बात करते हैं, मैराथन से मेरा मतलब वो आपका सब्जेक्ट वाला मैराथन नहीं है, इससे मेरा मतलब है कि एक लॉन्ग जर्नी आपकी शुरू होती है। लेट्स वार्म अप। कल बाकी टीचर्स ने पढ़ाया था क्या? थोड़ा बहुत ओके, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो चुका है मेजॉरिटी सब्जेक्ट में, बहुत बढ़िया। तो आपकी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई चालू हो ही चुकी है, आज हम मैराथन की बात कर लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने के पहले कुछ चीजें पता हो तो बहुत अच्छा रहता है। नो योर टीचर, मेरे बारे में बता दूंगा मैं कौन हूं। नो योर सब्जेक्ट, एमसीएस बता होना चाहिए कि एमसीएस क्या है, उसमें क्या पढ़ने वाले, उसका अप्रोच क्या है, आईसीएसआई का आपसे क्या अपेक्षा करती है यहां पे। नो योर एग्जामिनेशन, कि उस सब्जेक्ट पे एग्जामिनेशन कैसा होता है। नो योर बैच, कि आपका बैच किस प्रकार से रन होने वाला है, एंड नो योर बुक्स, कि इसमें आपको कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद नो योर टीचर। आशा करता हूं मेजोरिटी लोग जो यहां पर मुझे जानते हैं, जो व्यक्ति नहीं जानता है, मैंने मिस्टर शुभम सुक्लेचा, मैं बच्चों को मॉड्यूल 3 पढ़ाता हूं, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग 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 वाइल आई हैव बीन इनटू टीचिंग,
एंड जब तक क्लास में घुस के पढ़ाने में मजा आता है, हर उस दिन तक मैं पढ़ाने वाला हूं यारों, तो स्टिल वही एनर्जी रहती है, वही मजा आता है। तो यारों जी जान से पढ़ाएंगे और बहुत 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 तूफान तरीके से हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। अबाउट मी, आई हैव कंप्लीटेड माय कंपनी सेक्रेटरीशिप इन 2014, 2015 के अंदर आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड 2016 के अंदर आई कंप्लीटेड माय एलएलबी, पोस्ट विच 2017, वन ईयर का एलएलएम होता है, 2017 के अंदर आई कंप्लीट माय एलएलएम स्पेशलाइजिंग इन कॉर्पोरेट लॉ एंड अलॉन्ग साइड हैव डन सर्टेन डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह जब मेरा ये सारा टेन्योर चल रहा था उस बीच में। लॉ आई हैव डन फ्रॉम पुणे का आईएलएस लॉ कॉलेज, एकदम दिल का एक टुकड़ा वहीं अभी भी मेरा ऐसा। इट हैज बीन अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी एज अ स्टूडेंट एंड उसके बाद से इट हैज बीन अ सुपर वंडरफुल जर्नी। आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू किड्स दैट पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, पढ़ाई अच्छी है, उसको बस सही तरीके से किया जाए तो आपको उसमें मजा आता है। इट इज जस्ट कि अगर आप उसको एक बर्डन की तरह देखते हैं तो मजा नहीं आता है। तो डे वन से उसी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई होप सो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का एक आउटलुक पढ़ाई की तरफ चेंज हुआ हो और पढ़ने में थोड़ा मजा आता हो, तो जिनको मजा नहीं आता है उनको भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटा जी इस प्रकार से पढ़ने वाले हम लोग। अब बात करते हैं मेरे बारे में, ठीक है, नो योर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट अब अच्छे से फोकस करते हैं। सब्जेक्ट का नेम है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है बेटा जी, फोकस किया, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया अलग अलग डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं होगा यहां पे कि कोई एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक्स पे केस स्टडी आएगी। मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी मींस इन दिस सब्जेक्ट यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम कंपनी लॉ, यू विल गेट क्वेश्चंस from insolvency law, you will get questions from economic law, questions from securities law, questions for that matter from labor law. तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो laws आप already executive में पढ़ चुके हैं multidisciplinary, उन सब की mix करके case studies इस subject में आने वाली है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, इसके अंदर लॉ नहीं है, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसके अंदर यू डायरेक्टली हैव केस लॉस। इसमें है बहुत सारे केस लॉस, अप्रोक्स 300। ये जो अप्रोक्स 300 केस लॉस सिलेबस में है वो इस प्रकार से डिवाइडेड है कि उसमें से कुछ 50 केस लॉस कंपनी लॉ के हैं, 50 केस लॉस सिक्योरिटीज लॉ के हैं, 50 केस लॉस लेबर लॉ के हैं, 50 केस लॉस इंसॉल्वेंसी लॉ के हैं। इस प्रकार से डिवाइड करके उन्होंने 300 केस लॉज आपके सिलेबस में रखे हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आने वाला है दे आर गोइंग टू मिक्स इट अप, आपको ऐसा कोई डिवाइडेड नहीं आएगा, ऐसा पार्ट में नहीं आएगा कि पार्ट ए कंपनी लॉ पार्ट बी सिक्योरिटीज लॉ, एकदम मिक्स होकर पहला क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा एंड इट कुड बी ऑफ एनी लॉ, इट कुड बी अ केस लॉ ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यार ये जो क्वेश्चन है कौन से लॉ पे, ओके कंपनी लॉ का है, फिर आप कंपनी लॉ के अंदर देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से केस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो केस लॉ ढूंढा जाता है और फिर आंसर लिखा जाता है। तो नो योर सब्जेक्ट में मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज, अलग अलग डिसिप्लिन के केस लॉस यहां पर आते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर अप्रॉक्स 300 केस लॉस एंड देयर इज समथिंग व्हिच यू जस्ट कैन नॉट फॉरगेट एंड दैट इज दिस इज इन ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो सवाल ही नहीं पैदा होता यह बात भूलने का, इट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर जो हमारी तीनों किताबें हैं वो आप लेकर जाएंगे एग्जाम में और उनकी मदद से आंसर लिखना होता है। बट ऑफकोर्स इतना आसान भी तो नहीं होगा, इतना आसान अगर बना देंगे तो हर एक व्यक्ति क्लियर कर जाता। तो आज और बात करेंगे नो ईयर एग्जामिनेशन में, इतना आसान भी नहीं होता, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। ओपन बुक के अंदर कुछ बच्चों का सवाल होता है, क्या सर हम कुछ भी कैरी कर सकते हैं या फिर सिर्फ हम आईसीएसआई के मॉड्यूल कैरी कर सकते हैं? ओपन बुक एग्जामिनेशन में You can carry any book. बिल्कुल, तो दूसरा सवाल यही आता है बहुत ही प्यारा, पहला तो यू कैन कैरी एनी बुक, आप कोई भी बुक ले जा सकते हैं, आईसीएसआई की बुक ले जा सकते हैं, आप मेरे नोट्स ले जा सकते हैं, आप अपने नोट्स ले जा सकते हैं, आप कोई सी भी बुक चाहें वो लेके जा सकते हैं। दूसरा सवाल आता है सर फिर हम क्या करेंगे, हम एक मस्त सा गोदरेज का सूटकेस खरीदेंगे और उसमें हम सारी बुक्स भर के लेके जाएंगे, क्या कोई लिमिट है क्या नंबर ऑफ बुक्स का? देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स का भी कोई लिमिट नहीं है। आप 50 बुक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं,
बट ऑफकोर्स वी हैव टू बी रीजनेबल, रीजनेबल होके जाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जामिनेशन वर्ल्ड वाइड होते हैं, वहां पर तो कभी ऐसा देखा नहीं जाता है कोई व्यक्ति बहुत सारी बुक्स लिख रहा है, रीजनेबल बुक्स लेके जाते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू गेट अ रीजनेबल साइज का टेबल, यू टू सिट देयर। आप एक क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको स्पैनिक स्टेट के अंदर उसका आंसर लिखना है, एंड इफ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस देन यू इट कंफ्यूजेस यू मोर, तो देन वी कैरी लिमिटेड बुक्स, पास पेपर प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि हाँ कौन कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ने वाली है और वो बुक्स लेके जाते हैं। ICSI नेवर फेल टू सरप्राइज अस, हर बार एग्जाम में एक दो सरप्राइज क्वेश्चन वो देते ही देते हैं, तो वहां पर अगर हम सोचें कि हम एग्जीक्यूटिव के सारे प्रोफेशनल के सारे बुक्स ले जाएं तो शायद हम उन सरप्राइज क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नो बुक विच कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सरप्राइज क्वेश्चन, बट एट द एंड ऑफ द बैच आई गिव यू अ लिस्ट कि ये चीजें ले जा सकते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट का बैरैक ले जा सकते हैं, उससे शायद से कुछ हेल्प हो जाती है, सारे लॉ के हमारे बुक्स ले जाते हैं और कुछ तीन चार चीजें और लेके जाते हैं, सो दैट हम रीजनेबली सेफ होके जाते हैं। तो आई डोंट सजेस्ट यू टू कैरी मल्टीपल बुक्स, तीन चार बुक्स बहुत हो गई, उससे ज्यादा नहीं कैरी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे लीगली पूछते हैं तो लीगली आप 50,000 किताबें लेके जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ बुक्स। चलिए एक और व्यक्ति का सवाल है कि सर बुक में हमने अगर कोई मार्किंग कर रखी है तो भी ले जा सकते हैं? जी हाँ, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आप मोबाइल स्मार्ट वॉच छोड़ के आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। हाँ, लैपटॉप ऑफकोर्स, ये सब मत पूछना। तो ऑफकोर्स आप बोलोगे सर बुक सॉफ्ट कॉपी में, ऑफकोर्स अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, आप हार्ड कॉपी बुक्स में कोई भी बुक्स, प्रिंट आउट, ये सब चीजें लेके जा सकते हैं। क्लियर है हम लोग यहां पे? चलिए तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट के बारे में, एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, इस सब्जेक्ट का नाम है जिसको प्यार से MCS या MCS मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज कहा जाता है, या फिर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज भी कह सकते हैं, MDCS ऐसा, बट ठीक है MCS प्यारा नाम है। ये हुआ नो योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ऐसा, ओपन बुक सब्जेक्ट है, 300 केस लॉज हैं और कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो समझने के लिए नो योर एग्जामिनेशन काफी जरूरी है, कि एग्जामिनेशन कैसा आता है। चलो हाँ, इग्नोर करो इसको यार, ठीक है। शिवानी बोल रही है ये भारत है, यहां पे लोग बैग भर भर के बुक्स ले जा सकते हैं। शिवानी कोई आपको रोकने वाला तो नहीं है, ये बात तय है। मैं कहा जा रहा था आपको ICSI पास्ट पेपर्स, हम क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, मैं आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। यस, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है MCS का, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, हो शुड़ा देता, सर क्या करें हम ये बता दो आप, सर ये क्या है, कथा क्यों लिख रखी है इन्होंने? इन्होंने पूरी कथा दी है, उसके बाद में इन्होंने पूछा है इवैल्यूएट हैप्पी लिविंग बैंक सिस्टम एंड जस्टिफाई योर कमेंट्स, उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि इवैल्यूएट करो और जस्टिफाई करो अपने कमेंट्स के साथ व्हाट मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर। तो इन्होंने तकरीबन आप देखोगे 5 पेज तक की एक कहानी लिखी है, देखो कुछ दिख रहा है, जतिन जिमित शुक्ला वगैरह दिख रहा है कुछ, तो इन्होंने कुछ पूरी कहानी लिखी इनके बारे में कि ये कैसे कंपनी थी, कैसे चल रही थी, एंड देर आफ्टर उन्होंने उसके ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर, कि एक अकाउंट मैनेजर के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, व्हाट मेक्स अ गुड अकाउंट मैनेजर। सेकंड, डिड जिमित पटेल डू अ गुड जॉब एंड व्हाट वुड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट वुड बी, एक्चुअली छोटी मोटी ऐसी मिस्टेक लोग कर देते हैं, व्हाट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन ऑफ जिमित, कि जिमित ने अच्छा काम किया क्या, आपकी उसको लेके क्या ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में इज द बैंक्स कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव, ये जो बैंक का कंट्रोल सिस्टम है उस 5 पैराग्राफ में इस बारे में भी लिखा हुआ है, क्या वो इफेक्टिवली था क्या। एंड लास्ट, व्हाट विल द कंट्रोल सिस्टम लुक लाइक इन 10 इयर्स से अज्यूमिंग द ब्रांच इज सिग्निफिकेंटली लार्जर, कि बैंकिंग जो सिस्टम दिख रहा है, कंट्रोल सिस्टम जो दिख रहा है, वो अगले 10 सालों में क्या क्या होगा उसके अंदर, अगर एक सिग्निफिकेंटली लार्ज उसको मान के चलते हैं तो। एंड ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स Each, 40 मार्क्स का ये पैराग्राफ आता है। सर सुनो ना, ये एक ही पेपर में ऐसा आया था क्या? कोई बात नहीं, हम दूसरा पेपर देखते हैं, ये दूसरा पेपर है।
दैट इज द पैटर्न, वी कैन अंडरस्टैंड. एक और पेपर देख लेंगे, परेशानी नहीं है. अ सक्सेसफुल बिजनेस बिजनेस स्ट्रेटजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स. एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, एलिसिट इन बैकग्राउंड ऑफ एआरएल्स ऑब्जेक्टिव. स्मार्ट का एक फुल फॉर्म होता है जो आपके एमसीएस के चैप्टर 6 उसमें दिए रखा है, सिंपल वगैरह ऐसा. फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑफरिंग वेल अज्यूमिंग दैट कस्टमर विल सीक आउट एंड बाय रीजनेबली प्राइस वेल मेड प्रोडक्ट. कि आप क्वालिटी क्वांटिटी पे फोकस करेंगे ये प्रिज्यूम करते हुए कि कस्टमर जो है ना वो खरीद लेगा रीजनेबली प्राइस वेल मेड प्रोडक्ट्स. इस पे कमेंट करो. कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर को एक चीप प्रोडक्ट विद ओके ओके क्वालिटी चाहिए, या फिर आप रीजनेबली प्राइस करो और अच्छी क्वालिटी दो, क्या वो चलेगा क्या, इस पे आप अपना कमेंट करो. ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद, अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज डिजाइंड टू हेल्प यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड मीट कोर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑफ अश्वमेधा आयुर्वेदा इफेक्टिव. इस पूरे पैराग्राफ में जिस कंपनी की बात करें उनका नाम है अश्वमेधा आयुर्वेदा. देखोगे थोड़ा सा आपको नाम दिख जाएगा, ये देखो अश्वमेधा, तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उस कंपनी का नाम है. तो वो क्या अपने कोर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रही है क्या, ये वापस 10 मार्क्स ईच. सर दो बार ही हुआ है. एक लास्ट पेपर में और दिखा देता हूं, कोई पेपर ऑन किया. ये है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, हिस्टोरिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे उन्होंने पूरा ज्ञान दिया है और फिर वापस इन्होंने पूछ लिए हैं चार क्वेश्चन. चार क्वेश्चन रीड करके तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा. पहला क्वेश्चन रीड करो, ड्रॉइंग ऑन द फाइव फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल ई पोर्टर. पोर्टर के फाइव फोर्सेस पढ़े होंगे बचपन में, उसके ऊपर क्वेश्चन है. एक्सप्लेन व्हाई द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली बीन अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री. तो आपको पोर्टर के फाइव फोर्सेस को यूज करके आंसर देना है. इस प्रकार के उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं. तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, नो योर एग्जामिनेशन में, कि हमारे एमसीएस के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आता है भैया जी 40 मार्क्स का, जिसमें जनरली 10 मार्क्स के चार क्वेश्चन होते हैं, या कभी 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं. एंड दिस इज अ पैसेज फॉर्म क्वेश्चन. बचपन याद आ रहा होगा यार, इंग्लिश का पेपर हुआ करता था, एक पैसेज दिया जाता था, उसमें एंड में क्वेश्चन दिए जाते थे, उन क्वेश्चंस को पढ़ के, उस पैसेज को पढ़ के उनका आंसर ढूंढ के लिखना होता था. ऑब्वियस सी बात है, वैसा तो यहां पे सवाल नहीं रखेंगे वो लोग. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्टली पैसेज में मिलने वाले नहीं. अरे क्या आप 7th 8th में थोड़ी ना हो, सीएस प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन है, तो आपको पैसेज में डायरेक्टली पूरे आंसर मिलने वाले नहीं है. पैसेजेस में आपको मिलेगी हिंट और उसके ऊपर आंसर आपको अपने आप बिल्ड करना होगा अपने ओपिनियन के साथ में. तो तीन चीजों का मिश्रण होगा तब इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे. क्या तीन चीजों का मिश्रण चाहिए इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे, सबसे पहले पैसेज में उसके रेलेवेंट पार्ट को ढूंढना पड़ेगा और पैसेज के अंदर आपको क्या हिंट मिल रही है ये देखनी पड़ेगी. दूसरी चीज, आपको एमसीएस में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, चैप्टर नंबर 6. वो जो चैप्टर नंबर 6 है एमसीएस का, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि वहां पे उन्होंने मैकडी की बात कर रखी है, जैसे कि वहां पे उन्होंने केलॉग्स की बात कर रखी है, जैसे कि वहां पर उन्होंने अपना ये स्टारबक्स की बात कर रखी है. ऐसे उन्होंने कुछ कंपनीज की बात करके और इनके साथ में उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं पोर्टर्स, फाइव फोर्सेस और इस प्रकार की चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की कि किस प्रकार से कंपनीज इन स्ट्रेटजीज को यूज करती है. तो ये जो चैप्टर 6 का कंटेंट होता है ये हेल्प करता है इन पैसेजेस को आंसर करने के अंदर. इसमें पोर्टर के फाइव फोर्सेस और ये सब चीजें पढ़ाई गई है. और लास्ट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड. थोड़ा सा आपको यहां पर अपना ओपिनियन भी देना पड़ता है कभी कभी यहां पे आपको अपना ओपिनियन भी देना होता है. तो ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ये आंसर करने के लिए तीन चीजों को अपने माइंड में मिक्स करना होगा और फिर आप आंसर कर पाएंगे. तीन चीजें का इस्तेमाल करके, सबसे पहले तो पैसेज का कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा. जैसे कि पहले एग्जाम्पल में, कुछ पहले क्वेश्चन में जतिन निमित ऐसे कुछ लोगों के नाम थे और उनके बारे में पैसेज में लिख रखा है, तो पहले उसको पढ़ना होगा कि क्या वो व्यक्ति अच्छा मैनेजर था क्या, ये देखना होगा. फिर चैप्टर 6 के अंदर क्या कंटेंट दे रखा है, मैनेजमेंट, मैनेजर के बारे में क्या क्या कंटेंट वहां पर दे रखा है, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ गुड मैनेजर वहां पर दे रखा है, उसको देखना होगा और इन सबको अपने दिमाग से अप्लाई करते हुए उन क्वेश्चंस का आंसर करना होगा. तो सीधा पैसेज में आंसर मिलेगा नहीं, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो ओपन बुक का चैप्टर 6 यूज करेंगे,
पैसेज का कंटेंट यूज करेंगे, साथ में अपना ओपिनियन लगाते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। मैं आपको कोई भी चीज को अननेसेसरी बहुत अच्छा कर करके नहीं बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर वन होता है, इट इज जनरली नॉट वेरी स्कोरिंग। अगर मैं बात करता हूं बच्चों की, तो लास्ट अटेम्प्ट में जो EIR 1 थी वो अपनी बच्ची थी, उससे ही मेरी बात हुई। इस अटेम्प्ट में EIR 2 जो थे वो अपनी बच्ची थी, उनसे अपनी बात हुई। उसके पिछले अटेम्प्ट में जो EIR 1, 3, 4 थे वो अपने बच्चे थे, उनसे मेरी बात हुई। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उन बच्चों ने कहा कि सर हमने पूरा जीजान लगा दिया कि हमको यहाँ पे 40 में से 30-35 चाहिए ही चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी यहाँ पे 30-35 नहीं मिल पाते। आप ये सोचिए, प्रॉब्लम ये है कि इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, वहां पे आप अच्छा आंसर मिलते हैं तो वो आपको 3 देता है या कभी कभी 4 दे देता है, लेकिन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कितना भी अच्छा आंसर लिख दो वो आपको 6 के आसपास ही देता है। बिकॉज 10 on 10 तो वो नहीं दे पाएगा प्रोफेशनल लेवल पे, और ये एक ओपिनियन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि इतना आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं डालेगा कि आपको एग्जाम में आंसर लिखते ही नहीं बन रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। यहां पे 40 में से हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हम 20-30 के बीच में आ पाते हैं। यहां पे 30 से ऊपर लाना काफी कठिन है, एंड आई एम सेइंग इवन EIR 1 को भी वो प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इसके अंदर कोई स्पेसिफाइड आंसर नहीं है, आपका ओपिनियन पिक्चर में आने वाला है, दैट इज व्हाई द आंसर्स आर गोइंग टू डिफर। और किसी भी व्यक्ति का आंसर कभी भी जीवन के अंदर मॉडल आंसर से मैच नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉडल आंसर उस व्यक्ति का ओपिनियन है ना, इस कारण से। तो ये क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए काफी ईजी जा सकता है कभी कभी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर आप स्कोर इतना नहीं कर पाते, ये एक प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति ने पूछा कि सर पैसेज की इंग्लिश समझ नहीं आई तो क्या करेंगे, तो बेटा जी ओपन बुक है ना, डिक्शनरी भी लेके जाओ साथ में, बहुत ही जबरदस्त की बात है। चलिए, एक व्यक्ति बोल रहा है ऐसी सर चीटिंग करता है। नहीं नहीं यारो, सर पैसेज रीड करने में कितना समय लगता है, मुस्कान डिपेंड करता है ना बेटा जी कि पैसेज कितना बड़ा है। जनरली उसकी मैं स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे हैंडल करना होता है, बट इतना डेप्थ में अभी नहीं जाते, अभी हम सिर्फ पेपर पैटर्न समझ रहे हैं। बाकी एक ओवरव्यू दूं तो पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने होते हैं 2-3 बार, क्वेश्चन दिमाग में छप जाते हैं, फिर आप पैसेज रीड करते हैं ताकि पैसेज में जो भी रेलेवेंट चीज है उसको आप पेंसिल से मार्किंग कर सकें। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट ठीक है वो सब बात करेंगे बैचेस के दौरान। और उसके अंदर आपको प्रॉपर एक वर्कबुक मिलती है जिसमें पैसेज प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ होती है। सो स्टे काम, अभी हम क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं कि पेपर आता कैसे, फिर इनको पढ़ना कैसे वो हम धीरे धीरे बैचेस के अंदर पढ़ेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन पेपर भी चल के देखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लिया था, कोई भी क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन के अंदर 10 मार्क्स ईच था, ठीक है। गधे पीछे ही पड़ गए, सर इसमें कितना क्वेश्चन में कितना मार्क्स लग जाएगा। अरे संभालो, जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझेगा ना। बाकी अगर आप मेरा ओपिनियन अभी पूछना चाहते हो कि बिल्कुल सब्र है ही नहीं सर हम में, तो आपको 1 आवर तक भी इस पूरे क्वेश्चन को आपने दिया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यू इन 1 आवर यू टू एंश्योर यू कंप्लीट दिस 40 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड एनीवेज व्हाट आई सजेस्ट इज यू शुड नेवर स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, यू शुड डू द रिमेनिंग पेपर एंड देयर आफ्टर यू शुड राइट दिस आंसर। ये सब हम धीरे धीरे बात करते हैं, आप लोग जल्दी से नहीं, सीधे फर्स्ट स्टेप से सीढ़ियां चढ़ रहे हो, फर्स्ट से सीधा आप 10th पे पैर रखने की कोशिश करोगे तो गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ग्रेजुअली चढ़ो, जल्दबाजी मत करो, पहले पेपर पैटर्न समझ लो। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर इन्होंने कह दिया डिस्कस करो कुछ चीजों को, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2A है दिस इज फॉर 6 मार्क्स। ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी 3 सब क्वेश्चन है, मतलब ये सब हो गए 2-2 मार्क्स ईच के, समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2A इज फॉर 6 मार्क्स एंड उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है, मतलब 2-2 मार्क्स ईच के हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर 2B इज अनदर फॉर 6 मार्क्स। तो अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है 12 मार्क्स का टोटल, जिसके अंदर हमने देखा 6+6 था, बट ये एक्चुअली 2+2+2 ये पहला 6 था और उसके बाद में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। मैंने जो बोला समझ में आ रहा है ना, 12 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें पहला क्वेश्चन था 2+2+2 3 क्वेश्चन एंड देयर आफ्टर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये 6 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन और ये 2+2+2। चलो थर्ड क्वेश्चन, ए 3A इज फॉर 6 मार्क्स, 3B इज अगेन फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर ये सब क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। तो यहां पे ये भी हो गया 12 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें 6+6 दो क्वेश्चन आ गए। फिर आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे,
फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट इज फॉर 6 मार्क्स, बी पार्ट इज अगेन फॉर 6 मार्क्स, जिसके अंदर फर्दर बाइफर्केशन है 4+2 का, तो ये अगेन 12 मार्क्स, जिसमें 6 है प्लस 4+2, दैट इज अनदर क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, पहला पार्ट 6 मार्क्स, सेकेंड पार्ट अगेन 6 मार्क्स, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6+6, और इसी के साथ में आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, जिसका भी आपको दिख रहा है दो पार्ट इसके अंदर 6 मार्क्स ईच के, तो ए भी 6 मार्क्स का है, बी भी 6 मार्क्स का, और यहां पे पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें 6+6 जैसा कुछ दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है समझिएगा। ये जो बात है, ये फिक्स नहीं है, ये हर एक पेपर में चेंज हो सकता है, कि कभी 6+6 के दो क्वेश्चन आ गए, कभी 2+2+2+6 आ गया, कभी 4+2+6 आ गया, ये यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन जो चीज यूनिफॉर्म है वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा और उसके बाद में पांच क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स ईच के, दैट मेक्स द टोटल 100। मैंने आपको कल भी बातों बातों में बोला था, एक और चीज बोलता हूं, आपको इस पेपर के अंदर, एमसीएस के पेपर के अंदर कोई भी चॉइसेस नहीं आती है, 100 मार्क्स का पेपर आता है, नो ऑप्शंस। नॉर्मली अगर आप फंडिंग का पेपर देखोगे, कोई भी आप पेपर देखोगे, ऊपर दो ग्रुप के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में पेपर तकरीबन 125 मार्क्स का आ जाता है और ऑप्शंस होती है, चॉइसेस होती है, कोई भी ओपन बुक क्वेश्चन में चॉइसेस नहीं होगी, ना तो एमसीएस में होगी, ना ही इलेक्टिव में, किसी भी इलेक्टिव में होगी। और उसका लॉजिक यह है कि अगर आपका ओपन बुक है तो आपका एप्लीकेशन बेस है, तो याद तो करने की जरूरत ही नहीं ना, आपको बुक ओपन करनी है और उसको अप्लाई करना है, वहां पर चॉइस आपको नहीं दे सकते, तो ओपन बुक में कभी भी चॉइसेस नहीं मिलती है। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स एंड देन यू विल बी हैविंग 5 क्वेश्चंस फॉलोइंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स ईच, तो 60 एंड 40, क्लियर। ये जो 12 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं, ये बेटा जी बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं, ये क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। द फर्स्ट 40 मार्क्स का क्वेश्चन इज नॉट सो स्कोरिंग, पर ये क्वेश्चन स्कोरिंग है, अगर आपने पूरी बुक के सारे केस लॉस को अच्छे से कर लिया है तो एग्जाम में जाके आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, या आपके लिमिट, आपके कंट्रोल के क्वेश्चंस होंगे, कि हमारे सिलेबस से आते हैं, जो ऊपर का है उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड विल प्ले अ मेजर रोल, तो हमें शांत मन से रहना है तो ऊपर भी हम स्कोर कर पाए। तो जनरल स्ट्रेटजी ये रहती है कि ये 60 में से आपने बेयर मिनिमम 40 तो लाना ही होता है, बेयर मिनिमम 40 60 में से, और इस 40 में से बेयर मिनिमम आपने 20 तो लाना ही होता है, एंड दैट लीड्स यू टू अ कंफर्टेबल 60, तो उससे बहुत कंफर्टेबल 60 की तरफ हम जा पाते हैं। आई होप यू गेटिंग अ फेयर आइडिया, कोई परेशानी की बात यहां पर भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न, इस प्रकार से होता है, तो आई होप यू गेटिंग अ फेयर आइडिया। और जितने पेपर देखोगे सब में सेम है, क्या चेंज होगा, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया वो चेंज हो सकता है 6+6 2+6 वगैरह, लेकिन जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया वो सेम रहेगा, द फर्स्ट क्वेश्चन विल ऑलवेज बी ऑफ 40 मार्क्स एंड फर्दर 5 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स ईच, 6 क्वेश्चंस, पेपर इज ओवर, वेरी कंफर्टेबल। चलिए, गधे हिमांशु कुछ भी रूमर शुरू मत करो, हिमांशु कह रहा है कि सर ये 40 में से फर्स्ट क्वेश्चन 40 का है, उसमें से 20 आया तो ही पास होंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओवरऑल पेपर है, उसके मार्क्स होते हैं, इंटरनली आपको हर एक में पास होने की आवश्यकता नहीं होती है। गधो जैसी की बातें करते हो, हर सब्जेक्ट में पास होना है, ये इंडिविजुअल इस क्वेश्चन में 40 में से कुछ बेयर मिनिमम लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक व्यक्ति मान लेते हैं कि यहां पे उसको जीरो मिल जाता है, ऐसा कभी होगा नहीं, मैं बस आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं, यहां पे जीरो मिल जाते हैं और यहां पे 60 मिल जाते हैं, वो व्यक्ति एग्जम्प्टेड है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, आपको दोनों पे टारगेट करना है, दोनों पे मेहनत करनी है, ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाए, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर, क्लियर है, कोई सवाल यार? आई थिंक वी प्रिटी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन किस प्रकार का आने वाला है, एग्जामिनेशन इस प्रकार का आने वाला है, अभी तो शायद समय परमिट नहीं करेगा, बट आई वुड वांट टू इंश्योर कि ये सब आपका पेन डाउन रहे, ताकि आपके फर्स्ट पेज में जब बैचेस शुरुआत करेंगे शेड्यूल 1 पे मैं लिखवा दूंगा, तो आपके फर्स्ट पेज सब क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको पूरे थ्रू आउट द सब्जेक्ट यू शुड बी नोइंग कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, इससे एग्जाम में क्या आ सकता है। चलिए
अब आ जाता है नो योर बैच. आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट आपको एक आइडिया दे देता हूं. यहाँ पे ये जो बैच है बेटा जी, ये स्टार्ट हो रहा है आपका तकरीबन, जैसे कि मैंने कहा, सिक्स्थ या फिर हो सकता है 12th September. यहां से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और ये बैच कंप्लीट होगा 10th December. तो पहली चीज ये हो गई बैच के बारे में. दूसरी चीज बैच के बारे में हो गई कि टाइमिंग कैसा रहने वाला है. तो अभी तक वो एग्जैक्टली श्योर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली 9 AM का टाइमिंग रहने वाला है आपका MCS के बैच का. इससे आपके लेक्चर शुरू होंगे जो कि शाम को तकरीबन 6-6:30 तक चलने वाले हैं. तीसरी चीज सर, इस बैच के अंदर हम लोग, एक तो हो गया सारे केस लॉस पढ़ेंगे, पास्ट पेपर क्वेश्चंस के हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे. अब सर क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है क्या? नॉर्मली कैसा होता है बेटा जी कि आप लोग बच्चे एग्जीक्यूटिव में इतने सारी राइटिंग प्रैक्टिस, इतना पढ़ के पास होकर आते हैं कि आपको नॉर्मली इतनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है. बट व्हेन इट कम्स टू MCS, ओपन बुक सब्जेक्ट है और पहली बार ओपन बुक सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो वी प्रैक्टिस 150 to 200 क्वेश्चंस. ये हमारे रहते हैं जिसको हम लोग अभ्यास शीट का नाम देते हैं, अभ्यास शीट. तो अभ्यास शीट आती है बहुत सारी बैच के बीच में, आपको बहुत परेशान हो जाते हो आप, मुझे थोड़ी सी दिल से गाली भी दे सकते हैं, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं. जब बैच कंप्लीट हो जाएगा देन यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो 150 से 200 क्वेश्चंस अभ्यास शीट के फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग ये काम करना चालू कर देता है कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है. ये क्वेश्चन होता है, इसको इस प्रकार से केस में अप्लाई करते हैं और इस तरह से आंसर लिखते हैं. वो हमारा दिमाग काम करना चालू कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू विल बी राइटिंग एन ओपन बुक एग्जामिनेशन. तो ये एप्टीट्यूड डेवलप करने में समय लगता है, बट एक बार डेवलप हो गया तो लाइफ काफी आसान हो जाती है. चलिए, ओ हिमांशु ऐसा कह रहे हो क्या आप? हाँ बिल्कुल सही है बेटा जी, कि आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन में 20 ले आए हैं और बाकी में 40 ले आए हैं तो कंफर्टेबल एग्जम्पशन है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. चलिए, तो ये बैचेस का टाइमिंग हो गया, ये हो गया, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं. सर क्या आप मॉड्यूल के सारे केस लॉस कवर करने वाले हैं? जी हाँ, मॉड्यूल के सारे केस लॉस एक भी नहीं छोड़ेंगे. कोई भी ऐसे केस लॉ में सेल्फ स्टडी के लिए नहीं देता हूं, उसका एक बहुत प्यारा सा रीजन है. कैसा बेटा जी, कोई भी टीचर आपका जैसे ही आपको ये बात बोलता है, ये केस खुद से पढ़ लेना, और जो आपको सुनाई देता है वो है ये कभी एग्जाम में नहीं आ सकता है, तो इस कारण से आई स्ट्रिक्टली डोंट डू इट. हर एक केस लॉ क्लास के अंदर ही हम लोग कवर करने वाले हैं. जी हाँ, आपको कोई और एक्टिविटी में घर पे मेहनत करने के लिए दे दूंगा, बट सारे केस लॉ जो है वो हम लोग सब कुछ क्लास में ही पढ़ने के आने वाले हैं. तो ये हो गई बात बेटा जी, मॉड्यूल के सारे केस लॉ क्लास में कवर होने वाले हैं. बैच का टाइमिंग हो चुका है, बैच के डेट्स हो चुके हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुका है. इसके अलावा आई थिंक बैच के बारे में मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है. आई डोंट हैव थिंक, मतलब यहां पे और कुछ मुझे बैच के बारे में बताने की जरूरत है. यस, चल एक ऑनलाइन लाइव जो बच्चे गूगल ड्राइव वगैरह से पढ़ते हैं उनका ऐसा है कि सर डाउट होंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, तो देयर इज समथिंग, आई बी वेरी फ्रैंक बेटा जी, मेरे लिए फोन पे बात करना संभव नहीं हो पाता है. तो ये मैं एक बच्चों की शिकायत रह सकती है और मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मेरे से संभव ही नहीं हो पाता बिकॉज रेगुलर बैचेस भी रहते हैं और अगर फोन पे मैं बात करता हूं तो फिर बाकी चीजें हैम्पर हो जाती है, मेरे लिए संभव नहीं होता है. इसके लिए एक बहुत क्रिएटिव सा सोल्यूशन निकाला है, देयर विल बी अ डाउट सॉल्विंग फोरम. डाउट सॉल्विंग फोरम रहेगा, इस पर भी काम चल रहा है टेक्निकली. अराउंड आई थिंक 3-4 दिनों में इस पर काम खत्म हो जाएगा. तो इसका एक पहला जो बीटा वर्जन है वो मैं लॉन्च करूंगा. इसमें कैसा होगा कि कोई भी स्टूडेंट यहां पर पोस्ट कर सकता है कोई भी क्वेरी, कोई भी स्टूडेंट उस पर रिप्लाई भी कर सकता है. एक फोरम रहेगा वेबसाइट पे shubhamsuklecha.com पे, जहां पे आपको एक डाउट फोरम क्लियरली दिखेगा 3-4 दिनों के अंदर ही. जहां पे आप डाउट फोरम देख रहे हैं आप जाते हैं, आप कोई भी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश हो जाएगी, कोई भी स्टूडेंट उस पर रिप्लाई भी कर सकता है. एंड ऑफकोर्स मैं तो करूंगा ही, तो आपकी जो क्वेरी रहेगी उस पर जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर का रिप्लाई होगा वो भी क्लियर दिखेगा. पहला रिप्लाई एडमिनिस्ट्रेटर का और कोई स्टूडेंट भी नीचे रिप्लाई कर सकता है. कोई भी व्यक्ति अगर बाद में भी आता है तो पहले की हुई पोस्टेड क्वेरीज और उनके नीचे के आंसर्स को देख सकता है. दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर मी आल्सो टू स्टे इन टच विद यू गाइस. एंड फर्दर मेरे लिए कैसे वो आसान हो जाता है बेटा जी, एक ही चीज अगर कोई चीज 50 बच्चे पूछ रहे हैं तो अगर वो पहले ही बार एक बच्चे ने पूछा और वहां पे आंसर किया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको वहां पे वो चीजें दिख जाती है. तो स्टूडेंट के लिए भी जो उसको डाउट था वो रिजोल्व हो जाता है इमीडिएटली और जो समय मुझे रिप्लाई करने के लगता था वो नहीं लगेगा. तो इस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं, इफ दैट वर्क्स इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल. ऑफ कोर्स टेक्निकल चैलेंजेस रहते हैं इसके अंदर, तो अभी उसको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पूरी प्रॉब्लम भी बेटा जी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है. ये एक और बात हो गई नए बैच के अंदर. और जो फेस टू फेस वाले हैं, दो लेक्चर के बाद परेशान कर दो टीचर को, ऐसे पकड़ पकड़ के पूरा हल्ला दो, सारे डाउट्स पूछ लो एकदम. फिर आ जाता है लास्ट चीज, नो योर बुक्स. तो MCS के अंदर आपको 3 बुक्स मिलती है,
सबसे पहली बुक है दैट इज योद्धा। योद्धा इस बुक का नाम है। इसके अंदर सारे केस लॉज जो है आपके मॉड्यूल के उन सब की समरी बना के आपको दी जाती है। समरी मतलब सुपर समरी नहीं, बस इतना कि एक क्वेश्चन के अंदर आंसर कितना लिखना होता है। इसको हम योद्धा इसलिए बोलते हैं, ये वो बुक है जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूरी काम आने वाली है। वो जो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ योद्धा। योद्धा में उन सब सवाल के जवाब होंगे, फास्ट तरीके से ढूंढना है और आंसर लिखना है। योद्धा वो बुक है जिसको हम एग्जाम में यूज करते हैं और उसको देख के हम आंसर लिखते हैं, ये है योद्धा। इसलिए इसका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन टू राइट इट अप। अब प्रॉब्लम क्या होता है बेटा जी, कभी कभी एक प्रॉब्लम है बच्चों को कि सर 300 केस लॉज है, एग्जाम में क्वेश्चन तो आ जाता है, हमें ये ढूंढना पड़ता है कि ये क्वेश्चन से उस केस लॉ तक कैसे पहुंचे। उसके लिए एक बुक बना रखी है दैट इज सारथी। सारथी इज अ सुपर समरी। जब आपको मिलेगी बुक्स की हार्ड कॉपी आप देखोगे, योद्धा बुक थोड़ी सी मोटी रहती है, सारथी एक सुपर समरी है। सारथी डज नथिंग, ये आपको सिर्फ रेलेवेंट केस लॉ तक ला के छोड़ देगी। आपको क्वेश्चन दिख रहा है बट आप उसको अपने बुक में केस लॉ में ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सारथी विल हेल्प यू फाइंड द एप्लीकेबल केस लॉ। वंस यू हैव फाउंड द एप्लीकेबल केस लॉ, फिर उसका आंसर आप लिखते हैं योद्धा से ही। मैं आपको सारथी भी दिखाऊंगा तो आपका आइडिया लग जाएगा। अभी आपके लिए उस चीज को इमेजिन करना कठिन है क्योंकि अभी तक आपने ओपन बुक पढ़ा नहीं है। और लास्ट साथी आपकी, इसको कहते हैं वर्कबुक, जो है मल्टीपल केस स्टडी की वर्कबुक। इसमें जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ब्लैंक पेज ये सब दी जाती है, और चैप्टर नंबर 6 और ऐसी बहुत सारी चीजें वर्कबुक के अंदर दी जाती है। दिस इज द थर्ड बुक। तो इस प्रकार की तीन बुक्स होती है। टारगेट ऐसा है कि ये दो बुक्स आपको वो 60 मार्क्स के क्वेश्चन को एस करने में हेल्प करती है, ये बुक आपको वो जो 40 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसको एस करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज हाउ द एंटायर एमसीएस फंक्शंस। ठीक है बेटा जी, आपको एक काम कर देते हैं, राम मैंने शुरुआत में एक चीज बता दी बेटा जी, उसी को फॉलो कर लो तो आपका काम हो जाएगा। यस सिमांशु, ऐसे ही प्लान कर सकते हो बेटा जी। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार सारथी दिखा देता हूं, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा तो आप इमेजिन कर पाएंगे, और वर्कबुक भी दिखा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे। यस, ये एमसीएस का सारथी। इसमें होता क्या है बेटा जी, जैसे कि चैप्टर ऑन कंपनी लॉ, तो आपको हर एक केस की एक क्विक समरी होती है। जैसे कि पहला केस जो आप वहां पे पढ़ते हैं दैट इज अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल, ये पढ़ा आपने। उसके बाद में एयर्स एंड देयर शेयर, हर एक का एक फोटो जिससे कि पिक्टोरियल मेमोरी काम करे दिमाग में है, और उस केस की समरी कि उस केस में क्या हेल्प था दो लाइन में। योद्धा में ये एक एक पेज का होगा हर एक केस, लेकिन यहां पे दो लाइन में समरी। उसके बाद में दूसरा केस, उसका एक पिक्टोरियल इमेज, उसकी एक समरी। तीसरा केस, उसका एक पिक्टोरियल इमेज, उसकी एक समरी। ये पिक्टोरियल इमेज अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब आप केस को समझोगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जैसे कि ये केस देखते हैं, CL5 अलीबाबा नाबी बाशा वर्सेस स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड अदर्स दिल्ली हाई कोर्ट। ये केस योद्धा में डिटेल में होता है, क्लास में हम पूरा योद्धा से पढ़ेंगे। उसके बाद में इस केस की समरी यहां पे लिखी हुई वन लाइनर, हाईकोर्ट हेल्ड दैट आफ्टर रेजिग्नेशन डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेक इश्यूड एंड डिसऑनर्ड। आसान है समझना आपके लिए यहां पे भी, कि एक बार एक डायरेक्टर डिसऑनर ने अपना रेजिग्नेशन का चेक दे दिया है, उसके बाद में वो चेक्स के लिए लायबल नहीं होता। ये एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा होगा। अब इसके लिए एक पिक्टोरियल इमेज है कि एक व्यक्ति बैठा है और जो कह रहा है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो इस प्रकार से पिक्टोरियल इमेज वुड बी रिलेटेड टू द केस। एग्जाम में होता है कि हमको याद आ गया ऐसा कुछ केस पढ़ा था कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन वो केस कौन सा था? आपको 300 केस पढ़ने के बाद नाम तो याद नहीं रहेंगे। तब आप सारथी में अगर रूल करते हो, अरे हाँ हाँ ये रहा ना फोटो उसका, नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड यू विल बी एबल टू रीच हियर, फिर आप इस केस को CL5 आप चले जाएंगे योद्धा में और वहां से आप एग्जाम का आंसर लिख देंगे। तो ऑफ कोर्स ये किस प्रकार से यूज होता है, इसमें समय लगेगा समझने में, बट एक आइडिया आपको देने की मैंने कोशिश की। और ऐसे ही पूरी की पूरी सारथी होती है, मतलब हर प्रॉब्लम जो एक स्टूडेंट को आ सकती है वो सब यहां पे पहले से इमेजिन करके क्या क्या परेशानी तो सबको सॉल्व करने के लिए बुक बनाई है, दैट इज सारथी। यू विल लव इट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक। एक और चीज है जो भी आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, दिस इज नोन एज वायर्ड चार्ट। ये भी आप नहीं समझ पाएंगे बट जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा तब आपको समझ में आएगा इसकी कीमत। कभी कभी एग्जाम में कुछ केस लॉ होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो केस कौन सा है। अब अगर वो केस देखते हैं एंड दैट केस हैज समथिंग टू डू विद ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर एंड देयर ड्यूटी, इसका कोई केस स्टडी आ गया, तो आपके पूरे सिलेबस के अंदर
स्टॉक ब्रोकर इन देयर ड्यूटी से रिलेटेड कितने केसेस हैं? SL11, SL29, SL22, SL21, ये चार केसेस हैं जो स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर कोई आया स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड, तो आप यहां से जा सकते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, फिर उन चार केसेस में ही आपको ढूंढना रहेगा एप्लीकेबल केस कौन सा। आ गया SAST, टेकओवर कोड। टेकओवर का कोड का कोई क्वेश्चन आ गया। अब पूरे सिक्योरिटीज लॉ में हर एक केस को पढ़ के हम ढूंढें, उससे अच्छा मैंने एक वायर चार्ट बना रखा है। टेकओवर कोड पे पूरे सिक्योरिटी लॉ में चार ही केसेस हैं। सिक्योरिटी लॉ का केस नंबर 9, केस नंबर 20, केस नंबर 25 एंड केस नंबर 27। फिर उनको भी वन वर्ड में बताया है, जैसे कि यहां पे केस नंबर 20, वायलेशन ओनली ऑफ 0.4%। इस केस में क्या हुआ था मैं बता देता हूं आपको। एग्जीक्यूटिव का याद होगा, 25% टच करते ही इफ एन एक्वायरर अलॉन्ग विद पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट टचेस 25%, देन द पर्सन हैज टू गिव एन ओपन ऑफर। इस केस में क्या हुआ था कि इन व्यक्ति ने 25 टच किया था, बट इतना सा, 25.04%, इतना सा टच किया बस, तो इनके ऊपर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आ गई। तो ये कोर्ट में गए, बोले कि साहेब हमसे थोड़ा सा वायोलेशन हुआ है, हमें प्लीज जाने दो। कोर्ट ने इनको जाने दिया। कोर्ट ने बोला कि विद इन दीज डेज शेयर्स बेच दो, तो आपके ऊपर हम ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां से आपको याद आ जाएगा कि ये वाला, अरे हाँ हाँ, वायोलेशन ओनली ऑफ 0.4% वाला केस था। तो इस प्रकार से समराइज करा हुआ है। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड अभी आपके लिए इमेजिन करना संभव नहीं है, बट जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, दिस सब्जेक्ट विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, दैट इज सारथी। बहुत तूफान मेहनत की और उसके बाद में सारथी बनाया, एंड यू गॉट टू लव इट एज सून एज द बैच प्रोग्रेसेस। दिस एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीजों को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना, एकदम दिल पे लेते हैं, उनमें से एक है सारथी। सारथी को लेकर मैं एकदम ऐसा एकदम प्रेम करता हूं मैं सारथी वाली बुक से, मैं थोड़ी ज्यादा तारीफ कर देता हूं। बट हम वापस आते हैं यारों हमारे टॉपिक के ऊपर। सो दिस वाज ऑल व्हाट आई हैड टू डिस्कस विद यू गाइस, एंड ये था बेटा जी हमारा नो योर बुक्स। तो आई थिंक हम सब लोगों के दिमाग में क्लियर है क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार फटाफट से देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया टीचर, ठीक है, नो योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबको क्लियर है कि यहाँ पे हम अलग अलग लॉज के बहुत सारे केस लॉस पढ़ने वाले हैं। कंपनी लॉ के बहुत सारे केस लॉस, सिक्योरिटी लॉ के बहुत सारे केस लॉस, इकोनॉमिक लॉ के बहुत सारे केस लॉस, बहुत सारे केस लॉस पढ़ेंगे अलग अलग लॉस के, ठीक है सर। अप्रॉक्स 300 केस लॉस पढ़ने, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, कितनी भी किताबें ले जा सकते हो, कोई भी किताब ले जा सकते हो। ओके, नो योर एग्जामिनेशन समझा। क्वेश्चन वन एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का आता है, उसके लिए एक तीसरी बुक है हमारी वर्कबुक, वो क्वेश्चन नंबर वन के लिए बनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो आते हैं वो 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, ये केस लॉ बेस्ड होते हैं, इसके लिए हमारी योद्धा और सारथी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में हमारे बैच का बेसिक डिटेल्स पढ़ी, एंड ये हमारी बुक्स है, सब चीजें आपको मिलने वाली है, एंड दैट विल बी ऑल। इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव? एकदम शांति आ रहा हूं आज, थोड़ा सा एकदम ज्यादा ही बोल दिया क्या मैं? नहीं आ रहा हूं, चलो एकदम मस्ती में रहो। तो कैसा है बेटा जी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज लास्ट था, तो आई थॉट कि जो जो चीज आप बच्चों को बतानी है वो सब आज बता देता हूं। आई होप कि जो इंट्रोडक्टरी सेशन हुए हैं, जो सेमिनार हुआ है, दैट हैज रियली हेल्प्ड यू टू थिंक स्ट्रेट, सो दैट जब आप बच्चे बैच स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव जैसा नहीं है कि डे वन पे आओ चलो पढ़ना शुरू करो, इट डजंट वर्क दैट वे। प्रोफेशनल देयर आर लॉट ऑफ डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक, ट्रेनिंग का डिसीजन लेना है, ईडीपी का डिसीजन लेना है, ऑनलाइन का इलेक्टिव का डिसीजन लेना है। सो आई जनरली सजेस्ट कि पहले आप सब चीजों को लेकर क्लैरिटी ले लो, एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट योर स्टडीज। सो दैट इज द ऑप्टिमम सिनेरियो। तो आई होप द सेमिनार और दीज इंट्रोडक्टरी सेशंस हैव रियली हेल्प्ड यू टू रीच दैट डायरेक्शन, एंड एज सून एज द बैच स्टार्ट, ऑफ कोर्स तब तो आके हमें बैक टू बैक पढ़ाना ही है, ठीक है बेटा जी। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन, एंड ऑनलाइन वाले यारों, थैंक यू सो 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 वेरी मच फॉर योर लव। बहुत जल्द बेटा जी अब इधर उधर मिलता रहूंगा मैं आपसे। आज इंट्रोडक्टरी सेशन लास्ट है, अब जब बैचेस स्टार्ट होंगे वहां पे मिलेंगे। जो बच्चे पुणे आ रहे हैं, अरे बैग वैग पैक करके तूफान तरीके से पुणे आ जाओ, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे। और जो बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक प्लानिंग बता दूंगा किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। सारे सब्जेक्ट जो गूगल ड्राइव से पढ़ते हैं, एक वीडियो ले आऊंगा सेपरेटली, बट अभी के लिए बता रहा हूँ स्टार्ट विद एनी 4 सब्जेक्ट। आपको लेक्चर सारे लेके रखने हैं, आपका चॉइस है आपको कैसे करना है, जैसे भी आपको आई थिंक कॉमो में इफ इट ऑल इट इज इकोनॉमिकल वगैरह, तो वो आप प्लान कर सकते हैं कैसे लेना है, बट कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट विद एनी 4 सब्जेक्ट और एक टारगेट रखो कि 2 मंथ्स में 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, ऐसा टारगेट रखो, राइट, एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे इस प्रकार से गो अहेड, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अलाउ। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। एंड जिन बच्चों का ऐसा है कि सर योद्धा सारथी या ये बुक की हमको सॉफ्ट कॉपी देखनी है पूरी, तो वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहती है, आप मस्ती से देख सकते हो। shubhamsuklecha.com पे जाना है, फ्री रिसोर्सेज में जाना है, वहाँ इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक पे जाओगे, वहां पे आपको MCS का एडिशन 3 का प्रॉपर बुक्स मिल जाएगा। ओके, दैट बी फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस 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 पेशेंस, टाटा बाय बाय। मजे में एकदम फुल पावर पैक, नहीं नहीं एक्चुअली कैसा है कि इट हैज टू बी मोर लाइक अ डिस्कशन एक्चुअली,
बट मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे और मुझे बहुत कुछ बताना था, इस कारण से मुझे इसे बताना था, तो आई थॉट आई विल जस्ट कंप्लीट इट अप. क्या क्या हो गया एरो डिसीजन, सब चीजें सेट एकदम कंफर्टेबल, गुड.